फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। वैसे तो आज 3 नई फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर लकी कबूतर की रिलीज कैंसिल हो गई और इसलिए बची 2 फिल्में, जैकपॉट और व्हाट द फिश। तो आइए रिव्यू करते हैं पहले जैकपॉट को और उसके बाद व्हाट द फिश को। जैकपॉट एक सस्पेंस थ्रिलर है। यह कहानी है दोस्ती की, ग्रीड की, चीटिंग की, डिसीट की। इसमें है बॉस यानी नसीरुद्दीन शाह, जो गोवा में एक बहुत बड़ा कसीनो चलाते हैं और ये कसीनो स्थित है एक बोट में जो गोवा के वाटर्स में हमेशा खड़ी रहती है। और इनके दोस्त हैं फ्रांसिस दैट इज सचिन जोशी, माया दैट्स सनी लियोनी एंड एंथनी दैट इज भारत निवास। ये चारों मिलकर एक प्लॉट हैच करते हैं और प्लॉट के मुताबिक जो कसीनो का जैकपॉट मनी है, 5 करोड़ की रकम है, ये जैकपॉट मनी बाय अनफेयर मींस ये ग्रुप जीतेगा। और जब विनर को ये 5 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी, उसी वक्त ग्रुप का ही एक आदमी उस बैग जिसमें जैकपॉट मनी होगा उस बैग को लेकर फरार हो जाएगा एंड देन दिस मनी विल बी ट्रीटेड एज रॉब्ड मनी एंड इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। तो 5 करोड़ का वैसे फायदा हो जाएगा, 5 करोड़ का फायदा बाय विनिंग द जैकपॉट मनी बाय अनफेयर मींस एंड 5 और करोड़ का फायदा बाय क्लेमिंग इंश्योरेंस। तो एंथनी जो है वो ये जैकपॉट मनी जीतता है और जब उन्हें जैकपॉट मनी दिए जा रहे हैं तभी फ्रांसिस दैट इज सचिन जोशी उस बैग को, उस ब्रीफकेस को जिसमें जैकपॉट मनी है, लेकर फरार हो जाते हैं। बट टू द हॉरर ऑफ फ्रांसिस, जब वो बैग ब्रीफकेस खोलते हैं, उन्हें पता चलता है कि ब्रीफकेस में पैसा है ही नहीं, ब्रीफकेस तो खाली है। अब फ्रांसिस का ये सोचना है कि बॉस ने उन्हें चकमा दिया है और वो 5 करोड़ रुपए जो कि चारों में बांटे जाने वाले थे बॉस ने हड़प लिए हैं। एंड बॉस ऑन हिज पार्ट इज एक्चुअली अक्यूजिंग फ्रांसिस ऑफ हैविंग हिडन द 5 करोड़ ऑफ रुपीज। अब माया, एंथनी और इस प्लॉटिंग एंड प्लानिंग में एक और दोस्त है कीर्ति दैट इज एल्विस मास्करेनिस। इन तीनों को तो पता ही नहीं है कि बॉस गलत है या फ्रांसिस गलत है और कौन किसको चकमा दे रहा है। ऑन अ पैरेलल ट्रैक फ्रांसिस बॉस को एक ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड बिकवाना चाहता है फॉर अ बिग बिग सम ऑफ मनी एंड बॉस उस लैंड को खरीदना चाहते हैं। तो फ्रांसिस बॉस की मीटिंग चीफ मिनिस्टर से करवाता है एंड बॉस को कहता है कि चीफ मिनिस्टर को अगर 5 करोड़ का ब्राइब दिया जाए तो फिर उन्हें वो लैंड खरीदने का परमिशन मिल सकता है। बॉस फ्रांसिस के कहने के मुताबिक 5 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर को देता है, लेकिन दैट चीफ मिनिस्टर टर्न्स आउट टू बी ओनली अ लुक अलाइक ऑफ द रियल चीफ मिनिस्टर। तो जो ब्राइब मनी के 5 करोड़ रुपए है वो गायब हो चुके हैं एंड पहले से ही जैकपॉट मनी के 5 करोड़ रुपए तो गायब है ही। मीनवाइल एंथनी और कीर्ति दोनों की अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर मौत हो जाती है। अंत में क्या फ्रांसिस बॉस को बताते हैं कि वो 5 करोड़ रुपए या वो टोटल 10 करोड़ रुपए कहां है? क्या फ्रांसिस के पास एक्चुअली 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए हैं या फिर बॉस ने ही 5 करोड़ रुपए, जैकपॉट मनी वाले 5 करोड़ रुपए छुपाए थे? असलियत क्या है? एंथनी और कीर्ति का खून किसने किया था एंड हु इज फूलिंग हुम? दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। इस फिल्म की कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं कैजाद गुस्ताद ने। और सबसे पहली बात तो ये कि ये स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड इतने सारे फ्लैशबैक्स है फिल्म में कि ऑडियंस का कंफ्यूजन और भी बढ़ते जाता है। कहने के लिए तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन फिल्म में जो एक्साइटमेंट लेवल है नेवर रियली रीचेस एन अप्रिशिएबल लेवल। वन रियली डजंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल और व्हाई कैरेक्टर्स इन द फिल्म एक्ट द वे दे डू एक्ट। एंड पूरा ड्रामा जो है स्टेज मैनेज लगता है या फारफेच लगता है या सिली लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द वे द व्यूअर वॉन्ट्स टू व्यू इट। ऑल इन ऑल कैजाद गुस्ताद स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बोथ आर क्वाइट सैड एंड दे रियली रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द ड्रामा टू अ वेरी वेरी लो लेवल। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, दे बीन पेंड बाय अमोल पराशर एंड कैजाद गुस्ताद एंड मस्ट से दैट द डायलॉग्स ऑल्सो डोंट एड टू मच टू द ड्रामा। डायलॉग्स आर जस्ट अबाउट ऑर्डिनरी। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। नसीरुद्दीन शाह एक बहुत ही उम्दा एक्टर, बेहतरीन एक्टर, ही इज ऑलवेज अ फाइन परफॉर्मर। और इस फिल्म में भी उन्होंने काम बड़ी समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से किया है। बट
Having said that, it must also be added that it's a pity to see a great actor like Nasiruddin Shah in a film like this because film ka sarpair audience ko samajh mein nahi aata hai. Sachin Joshi does not get much scope. Unhone kaam theek thaak kiya hai. Sunny Leone also does not have too much to do. She exposes her body uninhibitedly, but baki jahan tak acting ka sawal hai, it's just about all right. Then there is Bharat Nivas in the role of Anthony. He does a fair job. Na bahut acha, na bahut bura. Makarand Deshpande as Police Constable Tukaram has his moments. Elvis Mascarenhas as Kirti is just about okay. And the supporting cast, well, unke chote chote roles hai aur un chote roles mein unhone average support lend kiya hai. Aur ab hum aate hain direction aur dusre technical aspects ki taraf. ये फिल्म कैजाद गुस्ताद के निर्देशन में बनी है और कहना पड़ेगा जिस तरह कैजाद गुस्ताद की कहानी और पटकथा दोनों कमजोर है उसी तरह उनका डायरेक्शन उनका नैरेटिव स्टाइल भी कमजोर है बिकॉज उनके कंफ्यूजिंग नैरेटिव स्टाइल की वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना नहीं रहता है जहां तक म्यूजिक का सवाल है शारिब तोशी का एक गाना है कभी जो बादल बरसे विच इज रियली वेरी वेल ट्यून्ड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग और इस गाने के बोल लिखे हैं तुराज और अजीम शिराजी ने गाने के बोल भी बहुत बढ़िया है बाकी जो गाने हैं अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के कंपोज किए गए हैं दे आर जस्ट अबाउट ऑल राइट एंड द लिरिक्स ऑल्सो पेंड बाय डिफरेंट लिरिसिस्ट आर नथिंग टू शाउट अबाउट गानों की कोरियोग्राफी की है बॉस्को सीजर ने एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट अबाउट ऑर्डिनरी सिनेमेटोग्राफी इज बाय आर्टर जुरावस्की एंड मस्ट से दैट द सिनेमेटोग्राफर हैज डन अ वंडरफुल जॉब बैकग्राउंड म्यूजिक जॉन स्टुअर्ट का है एंड इट इज एक्सलेंट क्योंकि ड्रामा का इंपैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से हाइटन होता है एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय महमूद खान एंड दे डू इंप्रेस एट प्लेसेस स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ द चेज सीक्वेंस जो चेज सीक्वेंस है फर्स्ट हाफ में वो बहुत ही एक्साइटिंग है एंड दैट इज इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द फिल्म नरेंद्र रहुरीकर के सेट्स बहुत रिच है बहुत ऑस्टेंटेशियस है और यस्सर अब्बास की एडिटिंग लीव्स समथिंग टू बी डिजायर तो ऑल इन ऑल जैकपॉट एक कमजोर फिल्म है बिकॉज ये एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें ऑडियंस को थ्रिल्स और चिल्स एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलते हैं दिस वन विल गो डाउन इन बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री एज अ फ्लॉप वैसे भी आज इस फिल्म की ओपनिंग बहुत ही कमजोर है आइए अब रिव्यू करते हैं व्हाट द फिश को व्हाट द फिश कहानी है सुधा मिश्रा नाम की एक मिडिल एजेड लेडी की दैट्स डिंपल कपाड़िया वो दिल्ली में अकेली रहती है उनके हस्बैंड से सेपरेशन हो चुका है और उनका बेटा विदेश में रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सूजी एंड वो विदेश जाती है लेकिन शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर मनी प्लांट एंड अबाउट हर फिश टैंक है घर में और इसलिए जब वो विदेश जाती है अपनी भांजी को सौंप कर जाती है कि मनी प्लांट और फिश का ध्यान वो रखेगी भांजी अपने बॉयफ्रेंड सुमित से मिलवाती है सुधा मासी को एंड सुमित के हाथों चाबी दी जाती है कि वो फिश का और मनी प्लांट का ध्यान रखेंगे खैर सुमित कुछ ही दिनों बाद वो घर अपने दोस्त नीरव और उनकी भागी हुई गर्लफ्रेंड को दे देते हैं भागी हुई गर्लफ्रेंड दैट इज गोपा नीरव और गोपा एक साथ रहते हैं फिर नीरव को बाहर जाना पड़ता है दिल्ली से बाहर और तब गोपा नीरव के फ्रेंड रवि के साथ रहने लगती है कुछ दिन रवि के साथ बिताती है वहां पर एंड आफ्टर दैट रवि एंश्योर्स दैट गोपा को उस घर से बाहर निकाला जाए तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता है वहां पर मीनल सक्सीड्स इन थ्रोइंग गोपा आउट ऑफ द हाउस और वहीं पर मीनल के एक भाई है राज हु हैज कम टू दिल्ली टू बिकम अ बॉक्सर वो मीनल से प्लीड करते हैं कि उन्हें उस घर में रहने दिया जाए टिल ही स्ट्रगलिंग टू बिकम अ बॉक्सर और इस प्रकार राज उस घर में रहने लगते हैं एंड देन राज के एक दोस्त है जो उनकी गर्लफ्रेंड को वहां पर उस घर में लाते हैं एंड देर इज अ फ्री फॉर ऑल इन दैट हाउस सारी चीजें टूट जाती है फर्नीचर पेंटिंग सब उथल पुथल हो जाता है और इस बीच में भी फिश जब खाना देने भूल जाते हैं अलग अलग जो ओनर्स सो कॉल्ड ओनर्स आते हैं जब फिश को खाना देना भूल जाते हैं द फिश डाइज एंड एक नई फिश आती है सो देर हैव बीन सेवरल ओकेजन्स व्हेन अ न्यू फिश हैज बीन ब्रॉट इनटू द हाउस इनटू द फिश टैंक तो इस प्रकार अब 3 दिन बचे हैं सुधा मासी वापस आने वाली है एंड
पूरे चेन को वापस इन्वॉल्व किया जाता है, एंड ऑल ऑफ देम सेट आउट टू पुट द हाउस इन ऑर्डर, बिकॉज सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, सारा फर्नीचर पेंटिंग सब कुछ टूट चुका है, एंड देयरफॉर द हाउस इज बीइंग सेट इन ऑर्डर। और उसके बाद सुधा मासी आती है, शी रिटर्न्स टू दिल्ली, और उसके बाद क्या होता है, दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में। इस फिल्म की कहानी लिखी है शशांका घोष ने, और कहना पड़ेगा कि द स्टोरी इज नथिंग बट एन असेंबलेज ऑफ इंसिडेंट्स, अलग अलग इंसिडेंट्स को पीस टुगेदर किया है, और कहानी को बहुत ही ज्यादा खींचा गया है जस्ट इन अ बिट टू मेक द ऑडियंस लाफ। लेकिन अफसोस, कॉमिक सीन्स में हंसी कम और गुस्सा ऑडियंस को ज्यादा आता है, बिकॉज सम कॉमिक पोर्शंस हैव टॉयलेट ह्यूमर जो क्लासेस को, मल्टीप्लेक्स फ्रीक्वेंटिंग ऑडियंसेस को पसंद नहीं आएगा, एंड बाकी जो कॉमेडी है दैट ऑल्सो लुक्स फोर्स्ड। हाँ, कुछ सीन्स में हंसी जरूर आती है, लेकिन एक कॉमिक फिल्म में, एक कॉमेडी फिल्म में अगर चंद सीन्स में आपको हंसी आए या मुस्कुराने का दिल करे तो दैट डजेंट रियली मेक दैट फिल्म। जहां तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, स्क्रीन प्ले लिखा है गुरमीत सिंह और तेजपाल सिंह रावत ने, एंड जस्ट लाइक द स्टोरी द स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो आउट एंड आउट एन अटेम्प्ट टू मेक द ऑडियंस लाफ। और स्क्रीन प्ले बहुत बुरी तरीके से खींचा गया है, द ड्रामा हैज जस्ट बीन एक्सटेंडेड ओनली सो दैट द फिल्म कुड बी मेड इन टू अ फीचर फिल्म। एक्चुअली स्टोरी लाइन जो है वो बहुत ही थिन है, और स्क्रीन प्ले के जरिए उस स्टोरी लाइन को स्ट्रेच करने की बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की गई है, एंड द थ्रस्ट इज ऑन कॉमेडी, एंड दैट कॉमेडी रियली डजंट अपील। और इसलिए ऑडियंस को जब 10 या 15 मिनट में यह एहसास हो जाता है कि सिर्फ उन्हें हंसाने की कोशिश की जा रही है, एंड दे आर फेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। फिल्म के डायलॉग्स तेजपाल सिंह रावत ने लिखे हैं, एंड इट मस्ट बी सेड दैट लाइक द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी, डायलॉग्स में भी वही कोशिश है टू मेक द ऑडियंस लाफ। सो ऑल इन ऑल स्क्रिप्ट का पूरा वन पॉइंट फॉर्मूला है, एंड दैट इज टू क्रिएट लाफ्टर, टू इवोक लाफ्टर अमंग द ऑडियंस। बट जहां पर 5% सीन्स में हंसी आती है, वहीं 95% सीन्स में एक्चुअली बोरियत महसूस होती है। वन, बिकॉज द सीन्स लुक फोर्स्ड, सेकेंडली बिकॉज द ड्रामा बिकम्स रेपिटेटिव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड थर्डली बहुत ही इम्प्लॉजिबल सा ड्रामा है। एक और बात, स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा गया है कि एक सीन जब डिंपल कपाड़िया घर आती है वापस एक महीने बाद, विदेश यात्रा से घर आती है, और उनके साथ कुछ भयानक होता है बिकॉज शी सीज समबडी एस्केपिंग फ्रॉम हर हाउस, वो सीन बार बार एट रेगुलर इंटरवल्स दिखाया गया है। एक्चुअली दैट सर्व्स ओनली टू कंफ्यूज द ऑडियंस एंड इरिटेट द ऑडियंस। ऑल इन ऑल स्क्रिप्ट इज वेरी वीक। और अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। ये फिल्म डिंपल कपाड़िया के घर की कहानी है, डिंपल कपाड़िया की कहानी है, और उन्होंने इस फिल्म में काम बढ़िया किया है। लेकिन एक इनेन स्क्रिप्ट को आखिर एक आर्टिस्ट कितना उभार सकता है, कितना ऊपर खींच सकता है, इस फिल्म से पता चलता है दैट देयर इज लिटिल दैट डिंपल कपाड़िया कैन डू, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज सो मीनिंगलेस एंड द ड्रामा इज सो लैकलस्टर। सुमित सूरी एज सुमित इज गुड, देन देयर इज सबीना शीमा हु प्लेज द रोल ऑफ सुमन, she has also done well, she is a natural actress. Anand Tiwari ek aur badhiya kalakar, lekin is film mein unka role bahut hi chota hai. Actually he is a fine actor who should have been given more scope, but whatever he does with conviction. Deepthi T Pujari as Gopa is quite nice. Manu Rishi Chaddha again another fine actor, aur is film mein bhi unka kaam acha hai. Whatever is given to him he delivers with the right amount of energy. Manjot Singh again chota sa role, बढ़िया, ही सपोर्ट्स वेल। देन देयर इज गीतिका त्यागी एज मीनल, शी इज ऑल्सो डन अ फाइन जॉब इन अ स्मॉल रोल। देयर इज विशाल शर्मा प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ राज, दैट इज ब्रदर ऑफ मीनल, ही लुक्स हैंडसम एंड ही इज डन अ फाइन जॉब इन अ स्मॉल रोल। मिथुन रोडवितिया एज हुडा इज ऑल्सो ओके। और बहुत लंबी चौड़ी सपोर्टिंग कास्ट है, छोटे छोटे रोल्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं, और उन्होंने सही तरीके से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई है। और अब हम बात करेंगे डायरेक्शन और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। ये फिल्म गुरमीत सिंह के निर्देशन तले बनी हुई है, एंड कहना पड़ेगा कि शायद गुरमीत सिंह ने यह सोचा फिल्म बनाते वक्त कि कॉमन मैन को कॉमन सेंस होता नहीं है, वो किसी भी सीन पर हंस देंगे। लेकिन आज की ऑडियंस बहुत ही डिसर्निंग ऑडियंस है, इस किस्म के ड्रामा पे, इस किस्म की कॉमेडी पे हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आता है, एंड देयरफॉर दिस फिल्म विच इज अ कॉमेडी फिल्म डज नॉट रियली टिकल द फनी बोन
All in all, the narrative style is not of the kind which would be enjoyed by the masses or the classes, by the front benchers or by the elite audience. Chote centers ki, bade cities ki, koi bhi audience ko is kisim ki film mein maza nahi aayega. Film ka sangeet aur film ke lyrics dono bahut hi functional hai. There is a line of music directors and line of lyricists. सबने मिलके इस फिल्म का संगीत कंपोज किया है एंड कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि इट स्टैंड्स आउट. देयरफॉर द म्यूजिक इज एट बेस्ट फंक्शनल. एक्शन और फाइट्स को कंपोज किया है परवेज फिरोज ने. अगेन वेरी रूटीन एक्शन. मधु नीलकंदन की सिनेमेटोग्राफी इज क्वाइट नाइस एंड एडिटिंग बाय चिराग टोडीवाला लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड. एक्चुअली स्क्रिप्ट में इतनी खामियां हैं कि एडिटर भी कुछ विशेष नहीं कर सकता है टू इंप्रूव द पेस और टू इंप्रूव द ड्रामा इन जनरल. तो ऑल इन ऑल व्हाट द फिश एक कमजोर कॉमेडी फिल्म है. ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें हंसी कम आती है एंड एट द बॉक्स ऑफिस दिस फिल्म विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग नोटवर्दी व्हाट्सोएवर. वैसे भी आज इस फिल्म की शुरुआत बहुत ज्यादा कमजोर है. तो ये तो हुए हमारे रिव्यूज ऑफ द टू फिल्म्स रिलीज टुडे. आइए बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाघरों में जैकपॉट और व्हाट द फिश को ओपनिंग कैसी मिली है, पब्लिक रिपोर्ट्स क्या है एंड कलेक्शंस कैसे हैं. तो सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर प्रेम लखानी जो हमें बताएंगे कि राजहंस ग्रुप ऑफ सिनेमाज में विच हैज प्रेजेंस इन गुजरात वहां पर आज रिलीज हुई फिल्मों का क्या हाल है. प्रेम जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग टू यू. कोमल नाहटा बोल रहा हूँ. गुड इवनिंग कोमल जी. प्रेम जी मुझे ये बताइए जैकपॉट और व्हाट द फिश इन दोनों फिल्मों को ओपनिंग कैसी लगी है. जैकपॉट लगी है आज राजहंस ग्रुप में. उसमें ओपनिंग अच्छा नहीं आया कोमल जी. काफी कम कहेंगे 30% ओपनिंग. ओके. और पब्लिक रिपोर्ट क्या है. पब्लिक रिपोर्ट भी ऐसी कुछ खास नहीं है. लोगों को मजा नहीं आया पिक्चर में. कंफ्यूजिंग प्लॉट लगता है. नथिंग एंटरटेनिंग इन इट. अच्छा कंफ्यूजिंग एंड नॉट एंटरटेनिंग. यस. तो यानी सैटरडे संडे को कुछ पिकअप होने की गुंजाइश कम लगती है. नहीं बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे. ओह दैट्स वेरी सैड. एंड व्हाट द फिश के कोई शोज हैं आपके मल्टीप्लेक्स या. नहीं व्हाट द फिश हमने नहीं रखा है. अच्छा रिलीज ही नहीं की है. जी हाँ. ओके एंड दूसरे सिनेमाज में व्हाट द फिश की ओपनिंग कैसी है. उसके भी कुछ खास नहीं लगी कोमल जी जहां तक मुझे अभी तक मालूम पड़ा है. लेट्स सी लेटर ऑन अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आता है उसमें तो. ओके. और लकी कबूतर की रिलीज तो कैंसिल हो गई लास्ट मिनट पर. जी हाँ वो तो पोस्टपोन हो गई पता नहीं. ओके जी थैंक यू शुक्रिया. और अब हम आ गए हैं नोएडा में और वहां मौजूद स्पाइस नोएडा के पुनीत सहाय जी से बात करेंगे. पुनीत जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है. गुड इवनिंग. कोमल नाहटा बोल रहा हूँ. गुड इवनिंग सर. पुनीत जी आज रिलीज हुई जैकपॉट और व्हाट द फिश के ओपनिंग के बारे में बताइए. दोनों ही मूवीज बिलो एवरेज थी मॉर्निंग से ही. अच्छा कोई खास इनमें एडमिट्स नहीं आए. अच्छा और अच्छा जैकपॉट की प्रमोशन तो अच्छी थी. मगर प्रमोशन अच्छी थी बट आई थिंक वो फैमिली के लिए देखना एक मूवी है नहीं. तो फैमिली वगैरह तो आई नहीं उसमें. सिर्फ यंग क्राउड ही आया थोड़ा बहुत. अच्छा तो दोनों मूवीज को ओपनिंग बहुत ही कमजोर है. बहुत ही कमजोर है. एंड रिपोर्ट्स क्या है. रिपोर्ट भी कोई खास नहीं है. मतलब सैटरडे संडे भी कोई सुधरेगा नहीं ज्यादा. एडवांस भी कोई खास नहीं है. कोई तो क्या बेनिफिट मिलेगा आर राजकुमार को सेकेंड वीक में. डेफिनेटली मिलना चाहिए. अब लकी कबूतर जैसी आती है तो हम लोगों ने भी आर राजकुमार के ही शोज बढ़ाए क्योंकि सबसे बेटर मूवी वही चल रही है इस टाइम पे. तो आज मतलब सेकेंड वीक में आर राजकुमार के कितने शोज है आपके मल्टीप्लेक्स में. अभी हमारे यहाँ करीब है 9 शो के करीब चल रहे हैं. अच्छा और जैकपॉट और व्हाट द फिश उसके 4-4 शोज हैं दोनों. 4-4 शोज. चलिए नॉट अ वेरी इवेंटफुल वीक दैट मीन्स. नथिंग. थैंक यू सर. और इस वक्त हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक चौहान जो हमें बताएंगे कि बिहार सर्किट के रूपबानी सिनेमा पूर्णिया और रूपबानी सिनेमा मधेपुरा में क्या हाल है आज रिलीज हुई फिल्मों का. अभिषेक जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है. गुड इवनिंग टू यू. कोमल नाहटा बोल रहा हूँ. वेरी गुड इवनिंग टू यू कोमल. तो आज दोनों फिल्में बिहार सर्किट में रिलीज हुई है जैकपॉट और व्हाट द फिश. यस जैकपॉट एंड व्हाट द फिश हैव रिलीज्ड इन बिहार एंड द ओपनिंग इज प्रीटी मच नॉन एग्जिस्टेंट कोमल. अच्छा बहुत ही कमजोर ओपनिंग है. बहुत कमजोर ओपनिंग है एंड फिल्म आई मीन वी वर स्लाइटली होपफुल फॉर जैकपॉट. आई मीन व्हाट द फिश लुक लाइक अ मोर ऑफ एन अर्बन प्रोडक्ट बट जैकपॉट बिकॉज ऑफ सनी लियोन वी थॉट दैट इट माइट एक्साइट द सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड कोमल जी. एंड द ओपनिंग इज रादर बैड.
Rather bad. I think it's a very dull week. I mean, I think till 20th December, I think we'll have to wait for something exciting to happen. For Dhoom and Dhadak. 20th December ke pehle kuch nahi hone wala. Chaliye, fingers crossed for 20th December. Thank you, Vishal ji. Shukriya. Fingers crossed. Shukriya. Great. फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं. हमारी मुलाकात अब सोमवार को होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye and hoping that you have a nice weekend.